हाँ जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जी दोस्तों? खैरियत से हैं जी। मैं आपका दोस्त मोहम्मद अहमद। कल जी काफ़ी सारे दोस्तों ने कमेंट्स किए हैं कि अहमद भाई लंबी वीडियो बनाया करें। लंबी वीडियो फिर कितनी की लंबी बनाएं यार, फिर वो अपलोड करना, इंटरनेट का मसला, 100 मसले हैं। तो किसी दिन इत्तफाकन कोई 25-30 मिनट की वीडियो बन जाती है तो बन जाती है, बहरहाल देखते हैं। अब ये डे डे पर डिपेंड करता है, मूड पर डिपेंड करता है, तो देखते हैं यार। आप पसंद करते हैं लंबी वीडियो तो मैं कोशिश किया करूंगा कि लंबी वीडियो बनाए। बिला जी तुझे क्या रहे हो, दाना कितने रह गया है? ऐ एक प्याला बच्चा पहने, ऐ दो प्याला बच्चा पहने, ऐ त्रीय प्याले बच्चा पहने, ऐस चो मैं सटे है ना, सारे चो मैं सटे है। जेड़े मैं नहीं सटे, सिर्फ तंतकान वास्ते दाना नहीं सटिया। ये प्याला ते वो बड़ा प्याने नो कट्टी वाला चा ना ऐसा, चल नो कट्टी वाला उसदी ते नो पूरी है ना। बिला करदा भाई जी मस्ती, शदीद मस्ती करता है। तेरे हुण आखरी आखरी दिहाड़े ना, तू हुण आखरी आखरी झटकियां मस्ती कर रहे हैं। तेरा हुण दिल नहीं असल काम करने का, तेरा दिल करता है तू होवे मैनेजर टाइप। हुण मेरा बिला जी इतना वड्डे फार्म कोई नहीं, दुआ करो अल्लाह पाक मैंने इतना एक फार्म देवे, इतना एक मामलात होवन, मैं तन बना सकता मैनेजर। तू होवे मैनेजर, तू लात लात रख के बहवे, मैं सारी रिपोर्ट तेरे को लवा। बिले अज कितनियां मझां, कितना दुध दिता है, कितनियां गावां चो कितना आया है, हैं बकरियां का के सिस्टम है, सारे सिस्टम असी रखिए, बकरियां गावं मझा सब कोई जगह जगह सिस्टम होवे ना, को दुआ कर अल्लाह पाक देवे ना, तो फिर सारा तन मैनेजर बना छोड़ सा, क्योंकि तू है जरा नवाब टाइप बंदा, तेरी जरा सोशल मीडिया से फैन फॉलोइंग है। नवाब कोई नहीं है, तेरा मेहमान नहीं आया सी, वो सही नाश्ता करान चला गया सी। मैं तो गाल ही नहीं की थी। ना ना वो गाल नहीं है, चोर की दाढ़ी में तिनका, चोर की दाढ़ी में तिनके वाली नहीं है भाई, जेड़ा कम है सी अगे चला गया सी। मैं गाल और कर रहा, तू और पासे लेके जा रहे, तेरी एक दम तो पैर दस्ती आ जांदा। मैं गल केड़ी कर रहा, तू जा केड़े पासे रहे? मैं कह रहा तू हुण हो गया स्टार, तेरे भाई जी हुण टिकटॉक दे उत्ते चली चली 1000 व्यूज आने, असल चक्कर ये है तू हुण टिकटॉक दा स्टार हो गया, हुण तेरा दिल नहीं करदा मैं दाणा लासा, मैं झाड़ू मारसा? ना जी ना, मैं तो नहीं करदा। बिल्ला भाई जी अपना माल बनाने के चक्करां च है, बिल्ला कुकड़ी बिल्ले कुकड़ी खरीदी बड़ी VIP, 15,000 रुपए की कुकड़ी लैके आया किसी को, ते कल परसों मेरे को पास कराई, चेक कराई, कहना अहमद भाई चेक करो कुकड़ी, मजे की गल कुकड़ी चोरी दी निकली कुकड़ी यो निकली जड़ी 4 साल पहले चोरी हुई हुई सी, है तो चल हूँ तू रख ले कुकड़ी, वैसे 14-15 साल उसकी उम्र हो गई, हूँ क्या करनी है यार ठीक है यार, हूँ तक तू पैसे, मैं तफ्तीश की कुकड़ी ने तक मैं पहचान लीती, मैं तो उस दियाँ कितने साल पुरानी है, 6 साल पुरानी। बिल्ले ने मुर्गी दिखाई है, मैंने उस मुर्गी की 6 साल पुरानी तस्वीरें बिल्ले को दिखाई हैं कि बिल्ला जी मुर्गी ये हमारी चोरी हुई हुई थी, ठीक है। बिल्ले के दरों लभ गई, बहरल मैं चल यार खैर है बिल्ले कोई नहीं गई, जमाना लंघ गया, भुल भुला आ गया, सा क्या मर गई होनी है, ठीक है। फिर मोड़ आई है, बड़े मुश्किल फिर दो तस्वीर मैं तुम तकई हैं, वही है कुकड़ी, हूँ किल काट गई है जरा, है गल। उस्ताद जी चक्कर यह है कि भाई जी पीले की पोजिशन तकी है, अज पीले की जी जहरबाद है वो तुम दवाई हूँ के दे रहे हो बिल्ला साहब इसकी? कुकर काट जरा बाहर, एक बार बाहर काट इसका यार मसला। उस्ताद पता क्या है, इसनों दवाई तुसा एक तो लगातार नहीं दीती दवाई, इसनों है डेली पे लग दी है, कितनी मकदार टीका ला रहे हैं? दा निशान दा ज्यादा नहीं, इसनों भाईजान 0.2 cc लाओ एनक्योर, ठीक है, नाल इसनों क्लैरिटेक दो। क्लैरिटेक तराती देना शुरू की, कल देनी शुरू की है ना, बस ऐसा क्लैरिटेक दे कम से कम 5 दिन, गोली गोली पूरी दे, ठीक है, नाल ऐसा फ्लैजल दे अद्धी अद्धी, ठीक है, सुक जैसी इतने ही, उस तो बाद ऐसा मर्चा वाला सालन जो है ना रोटी के बोरिया मिक्स करके ना वो देना है। ये यार मैं असल हर साल रह जा अगले साल ना उस्ताद, एक कुकड़ की क्रीचा तो कुछ अरसा पहले ना दाने कणक बंद करनी है, कणक होंगी है असल इसे होंगे कार्बोहाइड्रेट्स, ये मिठा होंगे एक किस्म का, तो यह जरा रेशा पैदा करता है, ये खत्म करना है अगले साल। तो दूसरी गल है जोड़ा दलका मुड़ के आया ना पेशावर तो, इस दैर जी पौनी जी पई हुई है ना, किसी बच्चे के सिर तो पौनी बननी होती है, तो पई हुई है और रिंग साढ़े को पै नहीं कल यार कुकड़ा ब्रीडर के पैर जो पाने सोटे है,
अरे चल पोनी ला यार, पैन लेडीज स्टाइल आ रहा है इसके अंदर, मेहनत नहीं मजा आ रहा है, ला यार बिल्ले ऐ लग रहा कोई लेडीज है। खोल पर आए सर के पोनी जी पई हुई है पैर चेक करा यार। फैजान भैया आपने क्या डाला हुआ था अच्छा खासा नारा यार, लेडीज टच आ रहा है इसमें मुर्ख देखें जी माशाल्लाह। ये किंग लसानी की पट्टी का आगे से बचा है जान बिले, पिछली वीडियो च रह गई है यार, इन्हों की माँ ही नहीं तकाई मैं, इन्हों की अम्मा तका। अच्छा जब मैं अपने घर के मुर्गे दिखाता हूँ ना, इनके रिश्ते बताता हूँ, इनकी माएँ दिखाता हूँ, इनकी ब्लड लाइन बताता हूँ, बिला जी कुछ हमारे शरीक उसी टाइम फोत हो जाते हैं, जो हम पे इतराज़ करते हैं ना कि ये इधर से लिया ये उधर से लिया, वो सारे फोत हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें पता लग जाता है कि ये ऐलान हो रहा है कि ये फलानी मुर्गी का बच्चा है, ये फलानी का बच्चा है, इसका नाम है शौक हैं। हम शौक करते हैं, हमारे शरीक फोत हो जाते हैं, कोई बात नहीं उन्हें दो जाओ ना। हाँ कुकड़ियाँ उदो में काट के लाया, उसकी पट्टी भी लाया लाखे ली, तो बलके नहीं अम्मा भी काट के लाया। इधर जी खोआ चल रहा है, खोआ प्रोग्राम ख़त्म हो गया, पिला देता है। ये हमारे पास शकील भाई आए हैं मियांवाली से, तो ये बिल्ले की जगह पर ड्यूटी यहाँ पर सर अंजाम देंगे, इनके हैंड ओवर करेंगे सारे मामला। फिलहाल बिल्ला कुछ दिन इधर ही है, दाना पानी बिल्ले के हवाले है, बाकी जो एक्स्ट्रा काम है वो भाई शकील के ज़िम्मे लगाए हैं। पट्टे खुले फिर रहे हैं जी माशाल्लाह। तो मैंने लास्ट वीडियो में कहा था मैं 50-50 के नहीं देता, तो कुछ दोस्त मेरे पीछे लाग गए, कह रहे हैं जी 50-50 के हम लेते हैं, आपने 50 कहा था हम 50-50 देते हैं, दे दें 50-50 के। तो भाई ये एक पट्ठा काला मैं रख लूँगा, तो ये नज़ीर भाई ने मुबीन भाई ने कहा है ठीक हो गया, वो पट्ठा जो है उस्मान भाई ने कहा हुआ है, तो मेरा दिल है कि मैं दे दूँगा, क्योंकि तीन पट्ठे मैं नहीं रख सकता यार, हमारे आपको पता है अपने अखराजात होते हैं, मामलात होते हैं, तो हमने सारे चलाने होते हैं, अगर हम सारे रोक लें तो फिर असल यही मजबूरी है हमारी, जिसकी वजह से भाई बहुत सारे लोगों की ज़बानें लंबी हो जाती हैं। मैं अगर आपको सच बताऊं कि अगर मेरे पास इतनी कैपेसिटी हो ना कि मैं कहीं से अपने मामलात चला लूं और मैं ये बेचूं ना, ठीक है, क्योंकि आपको पता है दो फार्म हैं अल्हम्दुलिल्लाह, इतने बड़े यहाँ वर्कर्स काम करते हैं, सिस्टम में मामलात है, तो इसके एक्सपेंसेस होते हैं काफ़ी सारे, ठीक है, तो फिर ज़ाहिर है हमें ब्रीड निकलवा कर जब तक हम आपको दें नहीं अखराजात इनमें से ना निकालें तो ये मामलात चलते नहीं हैं। तो ब्रीडर तो हम इसीलिए नहीं देते क्योंकि हमने ब्रीडर्स में से आगे ये पट्ठे पट्टियाँ चूज़े अंडे सारे मामलात करने होते हैं। तो अब कितना अरसा हो गया कड़ोक तो बैठियाँ, ये आ गई है जी इनकी माँ, अब देखकर आपको आइडिया नहीं होगा कि ये उनकी माँ है, लेकिन यही उनकी माँ है, इसी मुर्गी के पट्ठे हैं दोनों, काला अदलका भी और जो पेशावर से अदलका वापस आया वो भी। ये 20 साल की भी हो जाएगी ना तो ये इसी तरीके से ही नज़र आएगी, इसकी एज कभी नहीं चेक हो सकती, क्योंकि ये मुर्गियाँ गोश्ती आई नहीं, इनके जिस्म पे फालतू गोश्त चढ़ता ही नहीं है। बिला जी ये अच्छा, ये इसकी पट्टी है, ये वही मादियाँ जिनका अक्सर मैंने कहा है कि मेरे पास शौकीन आते हैं तो मैं इम्तिहान में डाल देता हूँ उनको कि यार इनका आपस में क्या रिश्ता, तो वो ये कहते हैं बहनें हैं। अब ये काले अदलके की बहन है माँ की तरफ से, लेकिन इसका बाप है लाखा खड़ी तख्ती वाला। खैर अभी मुर्गियों की कंडीशन नहीं है, बाद में आपको दिखाएंगे। हमारे पास राणा इकराम भाई की तरफ से एक पट्टी आई है, बिला जी अमरोही पट्टी बाहर निकालें, अमरोही पट्टी एक आई है जो बड़ी ख़ास है और सिर्फ बच्चों के लिए आई है हमारे पास, तो अभी एक आधी दफ़ा इसने अंडे दिए हुए हैं, एक हमारा वो मेहमान भी आया बैठा है मियांवाली से। ये जी इकराम भाई की तरफ से हमारे पास अमरोही पट्टी आई है, खालस तो हम नहीं इसे कहते लेकिन क्रासों में है, और पट्टी बड़ी कमाल की है। पट्टा सलमान के पास पड़ा है मेरे शागिर्द के पास, इंशाल्लाह मंगवाएंगे। और छठो जी बिलाई जरा थले, चूची है ये, बनेगी तो 2-3 साल के बाद जाकर मुर्गी अच्छी बनेगी, पता लगेगा कि मादी फेर रही है। बिले यार दरवाज़ा बंद किया कर, जो अंदर बाहर आना जाना है ना। लो जी नवा कट्टा खोल गया, ओए चल साइड से हो जा, शाबाश। आपको जी पहले बताते हैं थोड़ी जी गपशप लगाते हैं आपके साथ, ये है बड़े किंग लसानी का पट्टा, इसकी क्रीज़ की अभी तो कंडीशन बड़ी ख़राब है, मैं आपको बिल्ले इसके कार्ड में इसकी नोक तो मिट्टी छिटी ला हाँ
लो जी भाई जी बड़ा टाइम हो गया क्योंकि लसानी की ब्रीड चो तुम शौक नहीं कराया बिला जी फिर होना थोड़ा जहाँ जो होना इस तरह गुड हो गया। आज मैंने सोचा आपको कुछ उसकी ब्रीड में से दिखाते हैं। ये हमारे पास क्योंकि लसानी का पट है रहते वाला लाल गर्दन लाल कमर में जो निकला है, मैं इसकी आँख आपको प्यारे तरीके से दिखाना चाह रहा हूँ कि ये होती है भाई लसानियों की आँख, तीन रिंगों वाली और बगैर डोरों का ब्राय नाम से डोरे हल्के से। फिर बोले ऊपर चढ़ा ही इतना तेरे हाथ अच्छा ना कर रते मस्ती ना कर रतू मस्ती ना कर। कल जो मैंने आपको वीडियो में दो पटियां दिखाई थी ना पेंसिल नली वाली, वो इस मुरक की पटियां और टेकें देखें इसकी कील और टेक देखें किधर है। और आपको आज बड़े मज़े की बात बता देता हूँ कि जो अमरोए मुरग होते हैं अमरोए मुर्गों में किल की शेप इस रंग नहीं होता, किल की शेप ही होती है। अमरोए मुर्गे का कंडा कभी भी बिल्ला जी चावा नहीं होगा, हल्का चावा भी नहीं होगा और पूरा चावा तो अमरोए मुर्गों का कंडा कभी होता ही नहीं है। ये आपके भाई की तहकीक है। और अमरोए मुर्ग के कील का जो रुख होता है जो डिज़ाइन होता है वो ये होता है, ये बिल्कुल इसी तरीके से इसी पोजीशन पे अमरोए मुर्गों के कंडे होते हैं। मैंने आज तक अमरोए मुर्गों की पहचान के ऊपर वीडियो नहीं बनाई क्योंकि मैं इसी इंतज़ार में हूँ कि जिन लोगों को मेरी बताई हुई लसानी मुर्गों की निशानियों पे इतराज़ है, मैं कहता हूँ कोई ऐसा लेजेंड सामने आ जाए जो अमरों की अपनी को तहकीक सामने लेके आए। जिनको समझ है वो तो आके नेट पर बात ही नहीं करते, लेकिन जो फनकारियाँ मारने वाले हैं वो बात करने की जसारत नहीं रखते। छोड़ो जी बिलाई खले मज़ा तो तब है ना जो उल्टी सीधी बातें करते हैं, आकर लोगों को अवेयरनेस दें बताएं कि हाँ जी ये अलामत ऐसे ऐसे एक ब्लड में हो तो इसका मतलब है कि ये फलां ब्लड लाइन है। अब हम आपको दिखाते हैं इस मुरग की रती पटी जो मैंने नफीस मादियों वाली वीडियो में लगाई थी और कुछ दोस्त मेरे से पूछ रहे थे अहमद भाई नफीस मादियाँ किधर गई हैं। नफीस मादियों में तीन मादियाँ दिखाई थी, जो एक बड़ी वाइट मादी थी जो आफ्ताब भाई को दी थी वो उनके पास मर गई, बाकी जो एक वाइट मादी है वो क्रीच में लगी हुई है बाद में दिखाऊंगा। और जो इस रते मुरग की पट्टी है इंतहाई नफीस, अभी उसकी भी दुम गिरी हुई है क्रीच में शदीद, लेकिन आपको आज शौक करवाता हूँ उसकी वजह उसकी मैंने आपको आँख दिखानी है कि आप उस पट्टी की आँख देखेंगे बिला काट के लाया गया। अब उसकी आँख देखेंगे तो मैं कहता हूँ आपको मज़ा आ जाएगा। लें जी आपको पट्टी दिखाते हैं। इसने टोटल दो दफ़ा अंडे दिए हैं अपनी ज़िंदगी में और आप इसकी आँख चेक करें माशाल्लाह इसकी आँख। ये मैं धूप में नहीं बना रहा आजकल एक फनकारी चलती है कि धूप में परिंदों की आँख मोतिया बारीक करने के लिए, आपको पता है ना धूप में मोतिया बारीक हो जाते हैं, तो इतने बारीक मोतियों वाले परिंदे अभी इस दौर में बड़े कम नज़र आते हैं, नर कम नज़र आते हैं, मादी तो मादी फिर थोड़ा सा बिल्ला। तो जो इस मादी का मोतिया आप चेक करें कि मैं छाँव में वीडियो बना रहा हूँ, धूप वो है धूप उधर लग रही है, हम छाँव में खड़े हैं और छाँव में आप इस मादिए के मोतिया का साइज देखें कि कितना बारीक इस मादी का मोतिया है। जब मैं इस मादी की आंख देखता हूँ यार तो मेरा शौक जो है वो दुबाला हो जाता है माशाल्लाह ऐसी। और तीन भाई थे और मैंने बाकी चूचे दे दिए थे बचपन में, लोग कहते हैं आप देते नहीं हैं अहमद भाई, आप अपने लिए जो रखते हैं आप वो चीज़ देते नहीं हैं। मैं कहता हूँ यार मेरे पास तो बचता ही वही है जो आप लोग किसी ना किसी डैमेज की वजह से छोड़ देते हैं। छोड़ो भी बिला जी थले बाद में फिर जब वो इस तरह की पट्टियाँ और पट्टे बनते हैं तो आप दोस्त कहते हैं जी हमें आप, मैं इनके साथ के बहन भाई इसी के बच्चे जो हैं इनके साथ के जो बच्चे थे वो सारे मैंने बेच दिए, एक चूची मेरे पास बच गई वो भी डैमेज से कि इसके पर और इसके कंधे खाए हुए थे बाकी चूचों ने, तो ये मेरे पास कुदरती बच गई कि यार ये डैमेज थी किसी ने ली नहीं ये ज़ख्मी है, तो बाकी जो चूजे थे मैंने इधर फार्म से बेचे हैं। हमारा एक ही असूल है एक ही सिस्टम है। हाँ ब्रीडर्स के मामले में बिल्कुल हम जो है वाकई आप कह सकते हैं कि ब्रीडर्स के मामले में हम बिल्कुल भी कोई डील नहीं करते हैं। बड़े जो ब्रीडर पके रखे हुए हैं वो मैं नहीं बेचता, या जो चूज़े बड़े हो जाते हैं पट्टे पट्टियाँ बन जाते हैं जो मैं रोक लेता हूँ, एक दफ़ा नियत कर लेता हूँ कि मैंने रखने हैं वो फिर मैं नहीं देता जितने मर्जी पैसे लगें। तो ये पट्टे दो काले भी जो अभी मैंने दिए हैं ये बामरे मजबूरी दिए हैं कि फ़िलहाल अभी क्रीज़ों का मौसम है, थोड़ी सी हमने सेल्स स्लो की हुई हैं तो कुछ दोस्त जो मांग रहे थे मैंने फिर उनको दे दिए हैं। तो ये बाप है इस लाल पट्टी का जो अभी आपने देखी है, और जड़ियाँ छः कालियाँ पट्टियाँ हैं ना एक एक कार के सारियाँ तकानियाँ। टिकटॉक पे एक भाई ने कमेंट किया हुआ था मैंने एक लसानी पट्टी दिखाई थी, इस लाल मुर्गे की पट्टी है और उसकी माँ रानी है,
वो बिले कोने वाले खुडे खलती है, काट के जरा लाया। आज हम डिटेल में शौक आपको दिखा रहे हैं। इंशाल्लाह ताला ये शौक देख कर मैं कहता हूँ आपका जो एक लसानियों के बारे में आपके पास कंसेप्ट है ना मेरा दिया हुआ, इंशाल्लाह ताला वो मज़ीद क्लियर हो जाएगा कि जो चीज़ मैंने आज से कितने साल पहले आपको इंट्रोड्यूस कराई थी उनमें से निकलने वाले बच्चों के बच्चे भी अभी तक उन्हीं निशानियों में आते हैं कि जो हमने पहले दिन से, ये नहीं है कि हमने एक चीज़ बताई है और दो चार साल पहले हमारे पास वो क्वालिटी और वो लाइन चल रही थी और अब हमारे पास वो चीज़ निकलती नहीं है, या वो पॉइंट्स नहीं आते, या वो बनतर नहीं आते, या वो पर नहीं आता, या वो आंखें नहीं आती, या वो मजबूतियाँ नहीं आती, ऐसी कोई बात नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह आज भी हमारे पास वही क्वालिटी निकल रही है और ये अभी क्रीचों में है, लेकिन मैं उसके बावजूद भी आप दोस्तों को, अब ये पट्टी मैंने लगाई थी टिकटॉक पर, ये रते मुरक की पट्टी अभी जो आपने लाखा देखा है, कुछ दोस्त कहते हैं ये रता है, तो अब ये रता है, ये बड़े किंग लसानी का ब्लड है, इसकी 50 साल भी ब्रीड करवाएं ना तो इसने आगे से रिजल्ट यही देना है कि जो उसके बाप दादा का ब्लड उसमें मौजूद है, पलकों में, पलकों पर काला रंग आना, सुरमई आँखें जिसको कहा जाता है, 3 रंगों वाली नीली आँख आना, ठीक है, पूरी ब्लड लाइन। यार मैं कहता हूँ कि मैं आपको दिखाता हूँ मेरे पास एक से एक अल्हम्दुलिल्लाह जितनी मादियाँ खड़ी हैं ना सारी की सारी आपको इन्हीं 3 रिंगों में, इन्हीं सुरमई आँखों में, चौड़ी खुली जबड़ियों में, खुले नथनों में और ठेपरे सरों में, बादामी नोक नलियों में, कोई इक्का दुक्का बीच में सफ़ेद नली में निकलती है, बाकी सब बादामियों में होते हैं। तो चेक करें आप, तो ये पट्टी है रते मुरक की इसकी माशाल्लाह बड़े की, तो ये 3 रंगों वाली नीली आँख है, बिल्कुल है हल्के लाल डोरे मोतिया के बाद पूरी ज़मीन आगे से नीली नज़र आए और उसके बाद आपको, तो मैं कहता हूँ इतना फोकस करके शौक जब लसानी की बात हो तो इतना फोकस करके क्यों नहीं दिखाया जाता। नौ जी बिला जी करो ज़रा इधर अखा एंज, इस तरह फोकस होना चाहिए पता लगे लसानी है। चलो जी ये होगी एक पट्टी। एक भाई ने कमेंट किया था आपके पास इस आँख में इस क्वालिटी में ये एक ही है या और भी हैं, है जी? तो भाईजान अभी आपको ये 6 बहनें दिखाते हैं, कुछ इनमें काले अदलके की माँ में से बनी हैं, कुछ रानी में से बनी हैं, ठीक है? तो आपको दिखाते हैं और फिर आपने बताना है कि ये एक है कि कितनी है हमारे पास, बाकी जो बड़ी ब्रीडर मादियाँ उनकी तादाद हम नहीं आपके साथ डिस्क्लोज करते कितनी हैं, ये आपके सामने खड़ी हैं अलग अलग, ये बड़ी ब्रीडर मादियाँ, ठीक है? ये अलग अलग तैयार हो रही हैं अपने अपने खुडों में, वो नीचे खड़ी है, ये अपने अपने खुडों में तैयार हो रही हैं, जब तैयार होंगी इंशाल्लाह आपको दिखाएंगे। बिला जी अगली पट्टी काट के ले आओ, ऐ जिस नाल चूचा है कुत्ते दुए खुडे ढकी हुई है। अब ये इसी की सगी बहन है, ये जो बिला लेके आ रहा है ये इसी पट्टी की सगी बहन है, माँ भी एक है, बाप भी एक है, पैदाइश भी एक है, पूर भी एक है, पली भी इकट्ठी हैं, ये सारा एक ही इनका स्टार्ट से सिस्टम रहा है। तारक ये इसी पट्टी की दूसरी बहन है, नलियां चेक करें इसकी, सिर्फ नली का मेयार देखें, चौरस नलियां और चौड़ी। अच्छा आ जाओ जी यदि आँख तो आ जाओ जी, आँख चेक करो ये भी रते कुकड़। अच्छा हमारे रते मुरग में एक बड़ा कमाल है, कमाल सबसे बड़ा बिला जी क्या है, वो ये है कि सारी की सारी पट्टियाँ बारीक मोतियों में निकालता है। इसकी जितनी पट्टियाँ मेरे पास निकली हैं ना, पट्ठा अभी तक मेरे अपने पास जवान कोई नहीं है, काशिफ भाई के पास जवान है, कुछ और दोस्तों के पास जवान है, पट्ठे मेरे पास हैं कोई नहीं, जब हुए तो मैं दिखाऊंगा आपको, लेकिन जो मेरे पास पट्टियाँ आप देखें, रत्ती पट्टी भी इसी की थी, उसका मोतिया देख लें, और ये रानी के साथ इसकी पट्टी है इसका मोतिया देख लें, और जो पहली मैंने आपको दिखाई है पट्टी उसका मोतिया देख लें। तो ये क्वालिटी भाई फी ज़माना है, इस ज़माने में मुझे आप इतने बारीक मोतियों के साथ, तो मैं कहता हूँ कि मयार का और शोर का मज़ा आ जाता है। ये अब चूचे के साथ है तो शोर कर रही है, इसकी वेल वैसे दिखाता ना मैं चस बनती है कसम, लेकिन फिर वो वीडियो उड़ जाती है यूट्यूब से। तो ये हो गई जी 2 पट्टियाँ, जो भाई कह रहा था आपके पास इस आँख में इस क्वालिटी में ये एक ही है ये और भी हैं, तो वो भाई पता नहीं कौन है, मैं कमेंट ढूंढता हूँ, मुझे मिल गया तो साथ लगा दूंगा। तो ये मिट्टी में फेर रही है एक, वो चूचे वाली हो गई 2, ये तो 6 बहनें और बड़ी ब्रीडर मादियाँ इंशाल्लाह ये पूरी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल से ये सारे मेरे घर के बच्चे हैं। जिन लोगों की ज़बानें बड़ी दराज होती हैं ना मेरे बारे में कि जी वो इधर से लिया उधर से लिया, ये सारा का सारा ब्लड मेरे घर का है, घर के निकले हुए बच्चे हैं, अपने फार्म की निकली हुई ब्रीड है, हमारी सेल परचेज का या ख़रीद कर बेचने का या घर में बच्चे निकलवा कर बेचने का हर किस मतलब ये नहीं है कि हमारी जो अपनी घर की ब्रीड है उसको कुछ लोग मुनाफ़त के खाते में डाल कर कहें जी इनके पास है ही कुछ नहीं और एक गलत ट्रेंड चलाने की कोशिश करते हैं। तो मैं अभी दिखानी नहीं थी, लेकिन मेरा दिखाने का मकसद ये है आप दोस्तों को शो करवाना और कुछ दोस्तों के पॉइंट्स क्लियर करना कि ये जो हमारे पास घर की मुर्गियां भाई ये सारी की सारी नोक से लेकर नाखन तक अपने पॉइंट्स में एक जैसी हैं। तो
तो ये सारी एक जैसी तब भी आती हैं जब किसी के घर का ब्लड हो और घर की ब्रीड हो। बिल्ला लेके आ रहा है तीसरी पट्टी, ये छः की छः आपको दिखाऊंगा और फिर वीडियो एंड करूंगा। ले आ बिल्ले, मेरा मोबाइल भी हीट अप हो गया, बड़ा टेम्परेचर अप हो गया, मोबाइल वीडियो बनानी छोड़ दे सी। लो जी भाईजान, आ गई है तीसरी पट्टी, ठीक हो गया। ये है जी इनकी तीसरी बहन। आपने मुझे कमेंट्स में बताना है कि इन सब की आंखें ए टू जेड एक जैसी हैं कि नहीं, तीन रिंग हैं कि नहीं, आंखें सब की नीली हैं कि नहीं, हल्के डोरे हैं कि नहीं, एक ही ब्लड लाइन है कि नहीं। ये अब आप पे मैंने छोड़ा है, ठीक हो गया। इतनी डिटेल से मुमी तौर पर मैं शौक करवाता नहीं हूँ, लेकिन मैं आजकल रेगुलर चल रहा हूँ तो मेरा बड़ा दिल किया कि मैं आपको दिखाऊँ। नलियों पे वही दाग देखें, उसी तरह की धारियाँ देखें, उसी तरह के आप निशान देखें, लाइंस देखें, इनके स्केल्स देखें, आपको इंशाल्लाह ताला आपका शौक दोबाला और चौबाला होगा। और इसकी आँख की भी बारीकी देखें, इसका भी मोतिया कितना बारीक है। और तीन रिंगों वाली ये भी नीली आँख है, आपको आसमानी कलर आँख में दूसरा रिंग पूरा फैला हुआ नज़र आएगा। तीन हो गई जी। बिल्ला जी चौथी ले आओ। नहीं नहीं तू ले आ यार, बस नहीं करनी, छः पूरियाँ तकानियाँ। बिल्ला कह रहा बस कर, मैं कह नहीं, छः नहीं है, छः पूरियाँ तकानियाँ। ओए दो परे फिर रही नहीं ना, गल सुन, जिस खाने रानी नहीं पट्ठी नहीं फिर रही, दो उत्थे फिर रही, पांच हो जा सन, ते छेवी मेरा ख्याल ही उधर छोटे खुडे के इधर ढकी हुई है। शकील इत जिस मुर्गी की दुम पिछों जख्मी नहीं है, सावे पट्ठे की माँ जड़ी वो जरा कट के लाया एक दफ़ा। जितनी देर बिल्ला पट्ठी लेके आता है ना यार, मैं आपको एक बड़ी ब्रीडर माजी दिखाता हूँ लसानी, जो हमारे यानी एक तो बड़े बड़ा सावा है ना, जिसका आगे से दूसरा सावा पट्ठा हमारे पास जवान हुआ है। तो ये जो दूसरा सावे का बच्चा जवान हुआ है ना, इसकी जो माँ है ना, वो मैं अभी आपको दिखाने लगा हूँ। तो अभी वो भाई पूछ रहा था आपके पास एक ही है या इन्हीं निशानियों में आपके पास और भी हैं, तो भाई वीडियो ज़रा गौर से देखिएगा और फिर बताइएगा कि शौक का मज़ा आया कि नहीं आया। थोड़े ये बड़ी ब्रीडर मादियों में से है और इसकी आँख जबड़ी और देख कर बताना है कि ये वही ब्लड लाइन है, वही ब्रीड है या ये डिफरेंट है। मादियाँ असल में कच्ची हैं और हाथों में फड़कती हैं। शकील इधर आया सामने आस पास आया ये, और सारी की सारी वीडियो प्यारे दोस्तों छाँव में बांध रही है। अब ये भी आँख देखकर आपने मुझे कमेंट्स में बताना है कि ये भी तीन रिंगों वाली नीली है और ये एक ही ब्रीड है या अलग अलग पकड़ दकड़ वाला माल है, ठीक हो गया जी। नलियाँ तैयार हो। अब इनकी इसकी एज ज़्यादा है ना, ये पाँच सात साल की मादी है, तो इसकी नलियाँ आप देख लें रंग काला उतर गया। अब वो पट्ठियाँ शुरू की, इन्होंने भी अपनी एज में जाकर नलियाँ ये बना जानी है, ठीक हो गया। इनकी नलियाँ इसी तरह हो जानी है, इन छोटी पट्ठियों की भी ये चीज़ बन जाती है। छठ थल ज़रा, ये सावे पट्ठे की माँ है, इसको मुर्गे ने ज़ख्मी कर दिया था तो ज़रा सेपरेट रखी हुई है ये दो में माशाल्लाह। इसका प्रे लो इंशाल्लाह, मैं अपने भाइयों को फिर दिखाऊँगा। अब अगली बात देखें, किली ताजी मुर्गी मैंने आपको बताया था मैंने ख़रीदी है, वो तकरीबन 50,000 रुपये की मैंने ली थी। मैंने कभी नहीं कहा यार वो मेरे घर की मुर्गी है, लेकिन जो मादियाँ मेरे घर की हैं वो मैं अलान एलान बार बार कहता हूँ कि ये अल्हम्दुलिल्लाह मेरे घर की ब्रीड है, घर की मादियाँ हैं। और ये सारे हमने खुद आज से 15 साल हो गए हैं मुझे किंग लसानी की ब्रीड कराते हुए, और उसमें से मैंने नर ज़्यादा बनाए हो ना हो, दो चार पाँच नर जितने भी हैं मेरे पास, मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह जो किंग लसानी की ब्लड लाइन में से मादियाँ हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे शौक का सारा जो है ना इन्हीं में निचोड़ है। हाँ जी, तीन पट्टियाँ हो गई सन बिल्ला जी। लो जी भाईजान आ गई है चौथी पट्टी, ठीक हो गया। अब ये भी आपने दोस्तों मुझे कमेंट्स में बताना है कि ये भी आँख नीली है, एक ही ब्रीड है या ये डिफरेंट है, इसकी भी पलक पे सुरमा है कि नहीं, इसकी भी आँख में हल्के लाल डोरे हैं, गाढ़े नहीं हैं, ठीक है। तो ये उसी ख़ानदान से आपको लग, आप लोग भी शौकीन है ना माशाल्लाह, शौक करते हैं, बच्चे कराते हैं, तो आपने मुझे कमेंट्स में बताना है कि ये वही ब्लड लाइन है या ये भी पकड़ दकड़ वाली है जी। बिल्ला जी ये पट्टी की नलियाँ चेक कर लें, सारा का सारा आपको एक प्रिंट नज़र आएगा। ये भी चूचा नाल है या वक्री वाली पकड़ी जड़ी रानी की पट्टी नाल फेरनी दो, ठीक हो गया जी। अब पूरी हाथ में हम दिखा नहीं सकते, आपको पता है पूरा परिंदा हाथ में पकड़ा हुआ दिखाएं तो वीडियो नहीं रहती, इसका भी मोतिया देख लें। चलो जी बिल्ला जी कितनी पंजवी ले आओ बिल्ला जी। लें जी दोस्तों, ये आ गई है पांचवी पट्टी, इसका चेहरा थोड़ा सा लंबा है बाकी पट्टियों के मुकाबले में, तो ये भी आपने मुझे कमेंट्स में बतानी है इस ये पट्टी, आपने बात मुझे बतानी है कमेंट्स में कि ये पट्टी भी कैसी है, इसकी भी आँख तीन रिंगों वाली नीली नज़र आ रही है कि नहीं आ रही। ये दूर दूर वाले लसानी नहीं है, पाँच फुट दूर तो 10 फुट दूर तो वीडियो बना के बोले हाँ जो ना यार पंजवी पट्टी है तक वीडियो नहीं पता लग गया।
ठीक हो गया जी। अब मैंने वीडियो लंबी हो गई थी तो कुछ डाटा मोबाइल से डिलीट किया है। छोड़ो जी बिल्ला जी चलने, ये बिक्रीच में है। अच्छा ये पट्टियाँ हैं, इनका जो स्ट्रक्चर है वो पट्टियों वाला है। हमारे कुछ दोस्त जो होते हैं वो, मैंने आगे भी एक बार कहा था मादियों को समझना मुश्किल है, हर बंदा जल्दी जल्दी मादियों को नहीं समझ सकता। मादी की परख इसलिए थोड़ी सी मुश्किल है, ये अपने बड़े रूप चेंज करती हैं। पट्टी होगी तो इस रूप में नज़र आएगी, मादी होगी तो इस रूप में नज़र आएगी, इससे ज़्यादा एजड हो जाएगी गोश्ती होगी तो थोड़ा और रूप चेंज करती जाएगी, और अगर गोश्ती नहीं होगी तो सारी ज़िंदगी पतली रहेगी। और बाज़ मादियाँ तो जो हैं वो इनका इलाका चेंज हो जाए आँखों के रंग बदला जाती हैं, आँखें खट्टी कर जाती हैं, ज़्यादा पीली कर जाती हैं। लो जी छठी पट्टी आ गई है, इनकी जो छवीं बहन है वो आ गई है। थोड़ा सा मोतिया बाकी पट्टियों के मुकाबले में इसका आपको बड़ा नज़र आएगा। रिंग आपको वही आंखों के तीन मिलेंगे, दूसरा रिंग आप बोला जी फेरो ना थोड़ा जा जानू जी, आई लव यू। तो ये दोस्तों वो पट्टियां जो पिछले साल मैंने 6 अपने लिए रोकी थी, 7 रोकी थी, एक इनकी बहन ले गए हैं काशिप भाई। अच्छा अब इसकी नली मेरे हिसाब से बाकी पट्टियों से ज़्यादा बेहतर है। आँख इसकी थोड़ी सी गैली है, बड़ी है छोड़ है, ये चूचे वाली है, ये छिप है। अच्छा चलो मैं बेचो दुई वड्डी सावे दी अम्मा भी थकाती नीली आँख खाली भी। तो दोस्तों वीडियो मेरे ख्याल से काफ़ी लंबी हो चुकी है और इसको एंड करते हैं। इस तरह तो मैं आपको मादियाँ पट्टियाँ दिखाता रहूँगा, पीछे मेरे पास जो ब्रीडर मादियाँ खड़ी हैं यकीन माने मेरा दिल बड़ा कर रहा है। ये जो रत्ता मुर्ग फेर रहा है इसकी सगी बहनें मेरे पास खड़ी हैं, ये पीछे खड़ी है एक मादी, ये खड़ी है, दोनों इसकी सगी बहनें हैं। दिल मेरा कर रहा है दिखाने का, चले मैं आपको एक दिखा देता हूँ। चल यार बिले का आखिरी कुकड़ी दिखाने हैं, फिर वीडियो ऑलरेडी लंबी होगी। वो तो दुए खुडे वाली मादी काट, अभी यार हमने आपके अब गप शप तो लगाई नहीं है, सारी वीडियो शौक में निकल गई है। तो मेरा ख्याल है कोई 30 मिनट से ऊपर ही वीडियो अपलोड होगी। तो रत्ते की आपको बहन दिखाते हैं, आपको पता है रत्ता भी चिट्टी नलियों में है और रत्ते की जो बहन है वो भी सफ़ेद नलियों में है। लेकिन जब हम इनको रानी के साथ यानी रत्ते मुरख को रानी से लगाते हैं, हमारी वापस वही बादामी नलियाँ निकलती हैं। ये रत्ता पट्टा इसलिए वाइट नलियों में है कि जो इसकी माँ थी उसकी नलियाँ सफ़ेद थी। मेरे पुराने उसमें जो कंप्यूटर में डाटा है उसमें सारी पिक्चर्स वगैरह आज से 10-12 साल पुरानी पड़ी हैं, तो मुर्गी हमारे पास 10-12 साल पहले थी जो ब्रीड करती रही है। तो उसी में से क्योंकि इस रत्ते मुरख की उम्र भी कम से कम 7-8 साल होनी है, तो तस्वीरें पहले की पड़ी थी मेरे पास। तो ये जनाब रत्ते मुरख की बहन है। ये चूचे हमने कुछ भेजे थे आदिल भाई को क्वेटा, ठीक है, वहाँ से जो हमारे पास वापस आए हैं उनमें से भी कुछ परिंदे हमारी कलेक्शन का हिस्सा हैं और ज़्यादातर बाकी जो हैं वो हमारे पास अपने अल्हम्दुलिल्लाह पहले के फार्म पर। जो आदिल भाई के पास चूज़े गए थे वो उस ज़माने में गए थे जब किंग लसानी ख़ुद ज़िंदा था। ये रत्ते की जनाब बहन है। अब इसकी नलियाँ देखें, इसके ऊपर आपको इजाफी रंग नहीं मिलेगा, नली एज के साथ साफ़ हो गई है, चौरस हो गई है, अपना रुख पकड़ गई है, इसमें लाइन्स आ गई हैं, सेंटर से नली खाली हो गई है। तो ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं भाईजान, एज के साथ ये चल रही होती हैं। तो जैसे जैसे एज परिंदों की बढ़ती रहती है परिंदों में निखार आता जाता है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ मादियों के 100 तरह की जो तब्दीलियाँ वो इनमें रोनमा होती हैं। ये वो लोग समझते हैं जो मुसलसल बच्चे कराने वाले हैं, जो ब्रीडिंग करवाते हैं उनको पता है कि एक साल में मादी मारे छठ बिल थल थी कि पिछले साल हमारे पास मादी किस कंडीशन में थी, इस साल मादी में क्या तब्दीलियाँ आई हैं, तक कि बिले ऊपर लग गई नहीं और पट्टे ना लग गई है चाहिए उसकी। तो ये आपने देखी भी, हम पहले इसको लगाते रहे नवे जारिये के साथ भी हमने इस मादी को लगाया है, रत्ते के साथ भी लगाया है, सावे के साथ भी लगाया है। इसका एक बच्चा जवान है माशाल्लाह, मुश्का बच्चा चिट्टी नलियों में बना है, एक काशिप भाई के पास है, आ जाएगा वापस मेरे पास। एक जो है वो ऐसा तक ऐसा तक ऐसा तक क्यों हो गया, हाँ साई ओ साई क्यों हुई चला हो गया, पता नहीं रिकॉर्ड होया कि नहीं, अपने आप ही पै गया, वो असल गुस्सा कर रहा सी। ठीक है यार दोस्तों मेरा भी गला थक गया, अभी क्या सर आ जाएगा, कुछ और वीडियोस बनानी है टिकटॉक के लिए, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में कल आपसे मिलते हैं और कोशिश करेंगे कि फिर आपको मज़ीद कुछ ना कुछ, हालांकि मौसम क्रीज क्या यार, अभी दिखाने वाला यकीन माने माहौल नहीं है। लेकिन बस कभी कोई ऐसा कमेंट होता है ना किसी दोस्त का, वो दिल को ना ऐसे
टक करके छू के ना निकल जाता है, तो फिर दिल करता है कि वीडियो बना दें उसके ऊपर। बिला जी तो लो हाथ में रगड़ रहे हो उसको, तो लो जाके चलो। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, दुआओं में याद रखिएगा और कमेंट्स में लाजमी बताइएगा कि जो दिखाई हैं ये सारी एक जैसी थी या कोई उन्हीं भी फ़र्क है ऐसी। अल्लाह हाफिज़ जी।